मनीष जी, ये प्रधानमंत्री अगर सेकुलर होता और तुष्टीकरण कर रहा होता ना, तो ऐसा ना होता पिछले 7 साल में इस देश में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है, एक भी। याद करिए यूपीए के 10 साल, बंबई में लोकल ट्रेन में बम विस्फोट, 250 आदमी मर गया बंबई आपके पे। हम, आपके नेशनल कैपिटल में हर 3 महीने बाद बम विस्फोट। हाँ मैं बता रहा हूँ कि मतलब जयपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, कौन से ऐसा देश का कोना बचा था जहां 10 साल में लगातार आतंकी बम विस्फोट नहीं होते रहे, हमले नहीं होते रहे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि तुष्टीकरण का इससे क्या लेना देना है? यूपीए में क्यों होते रहे और नरेंद्र मोदी के 7 साल में क्यों नहीं? एक घटना है केवल, वो भी जो कश्मीर से लगी हुई, पठानकोट वाली। अन्यथा अगर आप कश्मीर को नक्शे से निकाल दीजिए, वहां तो आतंकवाद वो चल रहा क्रॉस बॉर्डर, बाकी शेष देश में एक भी घटना नहीं। 7 साल में हमारे आपके प्राणों की रक्षा हुई, कोई भी उसका शिकार हो सकता था। हुई क्यों नहीं और यूपीए में क्यों हुई? तुष्टिकरण क्या होता है, ये मूर्खों को समझाने की जरूरत है। 2004 में मनीष जी सरकार बनी और 2006 में अंतरराष्ट्रीय मंच पर हवाना में इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक बयान दे रहा था। अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिया था हवाना में, उसने कहा था कि भारत का जो, जिस तरह से भारत आतंकवाद से परेशान है, वैसे ही पाकिस्तान भी आतंकवाद से परेशान है, और भारत में जो आतंकवाद की घटना है होती है उसमें आईएसआई का कोई हाथ नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उस अंतरराष्ट्रीय मंच पर हवाना में मनमोहन सिंह ने खड़े होकर क्लीन चिट दी थी कि आईएसआई का कोई हाथ नहीं, वो तो जो आतंकवादी संगठन है वो तो स्वतंत्र दिया जिहादी संगठन है, उससे आईएसआई का कोई लेना देना नहीं है। ये 2006 में कहा था, उसके बाद फिर पूरे देश ने भोगा कि दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में आतंकी घटना है, हजारों लोग मरे, 7 साल में एक घटना नहीं है। और एक बार, एक दो बार जो कश्मीर के अंदर भी उन्होंने दुस्साहस किया तो घुस के मारा है नरेंद्र मोदी ने। तो ये तुष्टीकरण करने वाला सेकुलर नेता नहीं करता, ये अपनी बुद्धि की शुद्धि ये लोग कर लें। चलिए, आपने ये जवाब भी एक दे दिया। एक पवन कुमार दुबे सवाल कर रहे थे, जरा सा मिलता जुलता ही था कि मोदी जी, राजदीप, बरखा, इन सब पे, प्रकाश जावड़ेकर, सब पे कार्रवाई क्यों नहीं करते। मुझे लगता है कमोबेश इसका जवाब तो दे ही दिया गया है। फिर भी ये होता हाँ है कि हर चीज, हर काम प्रधानमंत्री के लेवल पे नहीं होता है। इन सबको थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा। प्रकाश जावड़ेकर को लेकर के जबरदस्त गुस्सा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इन सबको, कि आपको आगे आना पड़ेगा और आपको आगे आकर के ये बात आपको भी प्रेशराइज करना पड़ेगा सोशल मीडिया के दौर में, किस आदमी को हटाइए आप यदि वो कुछ नहीं कर हाँ रहा है।